जैन दोस्तों, धन ने रिसेंटली अपने प्लेटफॉर्म पर दो नए फीचर इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से एक है म्यूचुअल फंड, जिसे आप में से बहुत से लोग मिस कर रहे थे, एंड सेकंड है एक्सटर्नल स्टॉक। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड, जो कि मैक्सिमम ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, एंड सेकंड होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, जो कि बहुत कम ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न रेगुलर म्यूचुअल फंड से 1 से 1.5% तक ज्यादा होता है, बिकॉज यहां पर आपको ब्रोकर एंड एएमसी फीस नहीं लगती। और अगर लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पर 1% का भी डिफरेंस आता है तो आपको लाखों रुपए का लॉस हो सकता है। सिर्फ 1000 रुपए की एसआईपी में आपको कितने का नुकसान हो सकता है, इसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। धन के प्लेटफॉर्म पर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी मिलने वाली है, वो भी 40 से ज्यादा एएमसी के साथ। इन सभी फीचर्स को कैसे यूज करना है, डिटेल में समझने के लिए चलते हैं धन के मोबाइल एप्लीकेशन पर और देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर धन के प्लेटफॉर्म को, धन के मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पर ऊपर होम पेज पर ही आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर नीचे में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स लिखा हुआ है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। बहुत सारे लोगों को अभी अर्ली एक्सेस अलाउ नहीं है, तो अगर आप लोगों को ये मैसेज आ रहा होगा रजिस्टर फॉर अर्ली एक्सेस का, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। 2 से 3 दिनों के अंदर आपको धन के एंड से ईमेल आ जाएगा कि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये होम पेज लॉगिन हो जाता है म्यूचुअल फंड का, कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ऊपर में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो शो होगा, जहां पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, करेंट वैल्यू एंड प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है वो शो होगा, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट पहले से करके रखा हुआ है धन के प्लेटफॉर्म पर। तो जस्ट नीचे में यहाँ पर इन्वेस्ट विथ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कुछ कैटेगरी यहाँ पर ऑलरेडी बनाकर रखी गई है। हाई रिटर्न्स वाले फंड आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, इंडेक्स फंड सर्च कर सकते हैं, टॉप रेटेड स्कीम्स यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, लिक्विड फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसे सर्च कर सकते हैं। इन्वेस्ट विथ 500 रुपीज, अगर आपको SIP 500 रुपए से स्टार्ट करनी है या लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट विथ 500 रुपीज के ऊपर क्लिक करके उन स्कीम को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देन लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड को भी आप यहां से ही सर्च कर पाएंगे। जस्ट नीचे में डिस्कवर बाय कैटेगरीज का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है इक्विटी का। प्योर इक्विटी फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी में आप क्लिक कर सकते हैं। देन टैक्स सेवर फंड, अगर आपको टैक्स सेव करने के लिए ELSS फंड में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो टैक्स सेवर के ऊपर क्लिक करके आप उन म्यूचुअल फंड को यहां से सर्च कर सकते हैं। देन हाइब्रिड फंड एंड लास्ट में डेट फंड। ठीक उसी तरह अगर आप किसी पर्टिकुलर AMC में या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहां से भी उनके फंड्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे यहां पर बहुत सारी AMC दी हुई है, वैसे तो 40 से ज्यादा AMC यहां पर लिस्टेड है धन के साथ, तो यहां पर आप देख सकते हैं SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड, देन ICICI म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड। और भी अगर आपको AMC सर्च करनी है तो व्यू ऑल AMC ऑन धन के ऊपर क्लिक करके उसे आप यहां से सर्च कर सकते हैं एंड देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी AMC पहले से आपको दिख जाएगी। देन नीचे में जैसे ही आप आते हैं तो NFO का ऑप्शन दिया हुआ है। NFO मीन्स न्यू फंड ऑफर। जो फंड अभी फिलहाल खुले हुए हैं या फिर अपकमिंग है वो फंड की डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगी। आप चाहे तो व्यू ऑल ओपन NFOs के ऊपर क्लिक करके भी यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं एंड यहीं से अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके अप्लाई भी इसमें कर सकते हैं। देन जस्ट नीचे में आपको योर SIP का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने पहले से कोई SIP कर रखी है धन के ऊपर तो आप यहां से उसकी डिटेल देख सकते हैं। एंड जस्ट बगल में स्टार्ट SIP का ऑप्शन है, तो यहां पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज पर मंथ एंड सेकेंड है स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज पर मंथ। तो जैसा भी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू दी हुई है 100 रुपीज मिनिमम पर मंथ के वैल्यू के हिसाब से आप यहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उन फंड्स को सर्च करने के लिए आपको डायरेक्टली यहां पर क्लिक कर लेना है और वो सभी फंड्स आपके सामने आ जाएंगे जिसमें आप मिनिमम 100 रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैक कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से मिनिमम 500 रुपए पर मंथ वाले यहां पर आपको फंड्स दिख जाएंगे इसको ऊपर क्लिक करके। एंड लास्ट यहां पर मैनेज म्यूचुअल फंड अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन है योर बुक मार्क्स। अगर आपको कोई फंड अच्छा लग रहा है और आप उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाह रहे हैं तो यहां पर बुक मार्क्स में आकर एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करके
उस फंड के ऊपर क्लिक करके देन यहाँ पर आपको फेवरेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, आपका जो म्यूचुअल फंड है आपके बुक मार्क में ऐड हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि रिसेंट में हमने एक म्यूचुअल फंड ऐड किया आदित्य बिरला सनलाइफ पीएसयू इक्विटी फंड का, वो यहां पर हमारे बुक मार्क में ऐड हो चुका है। एंड जस्ट बगल में रिसेंट का ऑप्शन है, तो जो भी फंड्स को आप रिसेंटली सर्च किए हैं या देखे हैं जिसके ऊपर क्लिक किए हैं उसका यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको यहां पर सेकंड ऑप्शन मिल जाता है ऑल ऑर्डर्स का, जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपने बाय एंड सेल के ऑर्डर्स यहीं से देख सकते हैं जो भी आपने किसी फंड्स में लगाए हों। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करके आप यहां से ALSS टैक्स स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन ऑर्डर स्टेटमेंट, पोर्टफोलियो स्टेटमेंट, रियलाइज कैपिटल गेन स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स, ये सारे ऑप्शन यहीं से आप स्टेटमेंट ये सभी प्रकार के आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर ELSS टैक्स स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, देन आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर नीचे में ईमेल स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। विद इन 24 आवर्स आपके ईमेल पर यह स्टेटमेंट आपको भेज दिया जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर बैंक एंड पेमेंट्स का, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके धन के प्लेटफॉर्म से जो भी बैंक अकाउंट आपने लिंक किया होगा उसकी डिटेल आपको यहीं से दिख जाएगी। जस्ट बगल में आपको ऑटो पे का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑटो पे सेटअप करना आपको जरूरी है अगर आप यहां पर SIP कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो क्योंकि ऑटो पे सेटअप के थ्रू हम लोग बैंक में एक ई मैंडेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका एक पर्टिकुलर डेट पे डेबिट हो सके जो कि आपके SIP के थ्रू आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहां पर ऑटो पे सेटअप करने आपको सिंपली सेटअप ऑटो पे के ऊपर क्लिक कर लेना है, देन यहां पर नीचे में यस प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज पर आ जाएंगे, यहां पर मैक्सिमम ऑटो पे लिमिट शो कर रही है 1 लाख की, उसे एज इट इज रहने देंगे या फिर बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। मीन्स आप 1 लाख रुपए तक की SIP आप धन के प्लेटफॉर्म से यहां पर कर सकते हैं। जस्ट नीचे में प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है एंड नीचे में सेटअप ऑटो पे फॉर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर लेना है। इतना करते ही क्रिएट ई मैंडेट के लिए आपसे पूछा जाएगा, आपको यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना है। आप चाहें तो ये ई मैंडेट अपने डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। इतना करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी, जिस OTP को आपको यहां पर डालकर ई मैंडेट फाइनली कंफर्म कर देना है। जैसे ही आपका ई मैंडेट कंप्लीट हो जाता है, आपको SIP करने के लिए या लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड में आपको किसी भी एक म्यूचुअल फंड या स्कीम को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम लोग यहाँ पर हाई रिटर्न्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं एंड देन यहाँ से कोई भी एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको डेमो देने के लिए है, मैं किसी भी प्रकार से किसी भी स्कीम में या किसी भी पर्टिकुलर AMC में सजेशन अपना नहीं दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डेमो देने के लिए है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर एक स्कीम कोई भी हम लोग यहाँ रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कैन रोबो को कोई सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर नीचे में इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, बट उसके पहले आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुद से रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है आपको, जैसे ये फंड को कितनी रेटिंग दी गई है मॉर्निंग स्टार के थ्रू, देन यहाँ पर कितना अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, रेगुलर म्यूचुअल फंड में या फिर इस फंड में, उसका कंपैरिजन दिया हुआ है एंड देन नीचे में रिटर्न कैलकुलेटर के साथ स्कीम के स्नैपशॉट्स दिए हुए हैं कि कितना मिनिमम लमसम एंड कितने मिनिमम अमाउंट की SIP आप कर सकते हैं, AUM कितना है इस फंड का एंड स्कीम टाइप क्या है इस फंड की, ये सारी डिटेल यहां से देख सकते हैं। फंड मैनेजर्स की डिटेल देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर और कितने स्कीम को हैंडल कर रहा है उसकी भी डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। देन नीचे में यहाँ पर AMC की डिटेल दी हुई है कि ये AMC जो है टोटल कितना करोड़ का या कितने अमाउंट का एसेट यहाँ पर मैनेज कर रही है, टोटल कितनी स्कीम्स इसकी मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं एंड देन नीचे में रिस्कोमीटर की डिटेल दी हुई है कि इस फंड में कितना रिस्क हो सकता है। देन जस्ट ऊपर में आपको आउट परफॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके इस फंड में वो कौन सा स्टॉक है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है उसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं एंड उसमें इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट भी उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। देन जस्ट बगल में होल्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, होल्डिंग कितने परसेंटेज में इस फंड में किस स्टॉक की रखी गई है वो आप यहां से देख सकते हैं। देन जस्ट बगल में फंड्स लाइक दिस, इस फंड के जैसे और भी कौन से फंड्स हैं मार्केट में जो कि लिस्टेड हैं और जो कि कितना रिटर्न दे रहे हैं उसे आप यहाँ से देख करके कंपेयर कर सकते हैं।
अब इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सिंपली इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फर्स्ट है SIP का, इन्वेस्ट एवरी मंथ, एंड सेकंड है वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, मतलब आप लमसम अमाउंट यहां पर इस फंड में लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को SIP में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो बताने वाला हूं। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको यहां पर अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है कि कितने की SIP आप करना चाहते हैं। देन नीचे में आप SIP डेट देख सकते हैं, फर्स्ट SIP आपकी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी एंड नेक्स्ट आपको जो SIP डेट होगी वो होगी 6 फेब 2024 की। ये सारी चीज़ें चेक करके आपको इन्वेस्ट एज SIP के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल लेना है एंड देन कन्फर्म विथ OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मतलब पहले SIP अमाउंट के लिए आपको यहाँ पर UPI के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर UPI के थ्रू ये चीज़ ज़्यादा आसान होती है, तो हम लोग यहाँ पर UPI को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन के यहाँ पर अपना जो UPI ID है जो हम यूज़ करते हैं गूगल पे की, फ़ोन पे की या पेटीएम की, उसे यहाँ पर डालकर नीचे में मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 रुपीज़ के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपके जो UPI ID है, जो गेटवे आपने सेलेक्ट किया है, पेटीएम हो या फिर फ़ोनपे हो या फिर गूगल पे हो, उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा पेमेंट करने का, तो उसे आपको यहाँ पर ओपन करके पेमेंट कर देना है। तो हमें नोटिफिकेशन आ गया है, अदर मोबाइल पर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें नोटिफिकेशन आया है और मैं इसे पेमेंट कर दूँगा। मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है, मीन्स मैंने जो SIP यहाँ पर परचेस की है वो परचेस हो चुकी है। नेक्स्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो ई मैंडेट हमने किया था, ऑटो पे सेटअप किया था, वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है धन के एंड से, वो आपको प्रॉपर चेक करते रहना है। तो आई होप कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड में कैसे SIP करनी है, कैसे लमसम इन्वेस्ट करना है धन के प्लेटफॉर्म पर, ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धन एप्लीकेशन के सेकंड फीचर एक्सटर्नल स्टॉक की, जिसे चेक करने के लिए आपको पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको साइड स्क्रॉल करके यहां पर ऊपर में एक्सटर्नल स्टॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस फीचर का यूज पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट है, मान लीजिए आपके पास जीरोधा में भी डीमेट अकाउंट है, अपस्टॉक्स में भी है, एंजल ब्रोकिंग में भी है और वहां पर आपने कोई स्टॉक परचेस करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल स्टॉक फीचर के थ्रू उन सभी डीमेट अकाउंट के होल्डिंग्स को, जो भी शेयर आपके वहाँ पर रखे हुए हैं, उनको आप यहीं से देख पाएंगे एक जगह, बट आप उन स्टॉक को सिर्फ वॉच कर पाएंगे, उसमें कोई भी ट्रेडिंग या ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस फीचर को अवेल करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में सिंक्रोनाइज सिक्योरली नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। इतना करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिसे आपको यहां पर डालकर वेरीफाइड डिपॉजिटरी के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही दो डिपॉजिटरी आपके सामने आ जाएगी, CDSL एंड NSDL, आप दोनों को ही टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका एक DP में है तो एक को भी आप टिक मार्क कर सकते हैं एंड देन नीचे में सेलेक्ट एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट फेचिंग के लिए रिक्वेस्ट है वो यहां से चले जाएगा एंड आपके जो स्टॉक्स है यहां पर शो करने लगेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों ही फीचर क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी कहीं पर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।